सब जमीनों ने मुझको छोड़ दिया, मेरे सर पे है आसमान, फिर भी हम तो सब कुछ लुटा चुके सागर और वो शख्स बदगुमान, फिर भी मतलब यार बैड डे की अगर कोई डेफिनेशन है ना वो हार्दिक पांड्या है। कल का दिन जो हार्दिक पांड्या पे गुजरा है वो बैड डे की डेफिनेशन हो सकता है। मतलब ये आप हम और तमाम दुनिया के लिए एक लेसन है कि भाई आप दौलत शोहरत रुतबा सब कुछ हासिल कर लो, लेकिन जिस दिन ऊपर वाले ने आपको ठोकर देनी है तो भाई लगेगी, आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई दौलत, कोई ताकत, कोई शोहरत कुछ नहीं बचा सकता, कोई मेहनत नहीं बचा सकती। इसलिए भाई साहब आखिर आपको जब ये सब चीजें समझ में आती हैं तो फिर आपको ये समझ में आता है कि भाई जब वो चाहेगा तब वो आपको आसमान पे पहुंचाएगा और जब वो चाहेगा तब आप जमीन पर होंगे। तो ये सब चीजें भाई इससे ज्यादा कोई सबूत नहीं हो सकता जो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। कल का दिन हार्दिक पांड्या ने क्या कुछ खोया, करियर खोया, पर्सनल लाइफ खोई और जो है इमेज अपनी उस तक को ठेस पहुंची है। मतलब यार बहुत बड़ा सेटबैक। पहले तो कप्तानी की रेस से वो बाहर होते हुए नजर आ रहे थे और कल जो है सीधा सीधा वो कप्तानी की रेस से बाहर हो गए और सूर्य कुमार यादव ने उनको रिप्लेस कर दिया एज कैप्टन। वो वाइस कैप्टन में नहीं रहे, जो आदमी कितनी देर से वाइस कप्तान था, ओडीआई में था, जो T20 फॉर्मेट में था, अब उस रेस से भी वो बाहर होता है। शुभमन गिल उसको रिप्लेस करते हैं। उसके बाद पर्सनल लाइफ में जो कुछ चल रहा था वो सब पब्लिक डोमेन में आ गया, डिवोर्स हो गया, फैमिली सेपरेशन की खबर आपको देखने को मिली और ये सब एक ही दिन हुआ। और जो अब सुनने देखने को मिल रहा है ना वो भी हैरान कुन है, क्योंकि जिस तरह से वजूहात कप्तानी को लेकर बताई जा रही है, कप्तानी इसलिए छीनी गई क्योंकि वो फिटनेस इश्यूज के साथ जो है बड़ी देर से जूझ रहे थे। ये बात सच है कि फिटनेस इश्यूज तो थे, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव को एक बेटर चॉइस उन्हीं के इंडिया के टीम के प्लेयर्स ने कहा, यानी मुंबई इंडियंस में खेले जाने वाले प्लेयर्स या बाकी जो आईपीएल फ्रेंचाइज के अंदर प्लेयर्स खेल रहे थे, उन्होंने उनको बेटर चॉइस कहा, कितना बड़ा सेटबैक होगा वो भी हार्दिक पांड्या के लिए। और फिटनेस को लेकर तो भाई गौतम गंभीर ने पहले कह दिया था कि मैं एक अनफिट कप्तान नहीं चाहूंगा, वो खत्म हो गया। वाइस कप्तान की वो मतलब भी ड्रीम्स शैटर्ड, आपकी जो सालों साल की दशकों की मेहनत है ना वो सब की सब शैटर हो गई, वो खत्म हो गई। आप जहां जिस मकाम पे थे वो मकाम पे आप बहुत मेहनत से पहुंचे थे और अब उसके बाद कुछ एक कदमों के बाद भाई आप टीम इंडिया को लीड करने वाले थे, लेकिन आज आप एक नॉर्मल प्लेयर की तरह T20 में खेलेंगे। और खेलेंगे भी किस वक्त, जिस वक्त आपको जो है एक कप्तानी से हटा दिया गया है, आपकी डिमोशन हो गई है, आपकी पर्सनल लाइफ ट्रबल में है, उसके बाद आपको जो है मैदान में फिर जाके परफॉर्म करना। मतलब यार दिस इज वेरी ड्रामेटिक और ये सब मतलब एक आम आदमी के बस की बात नहीं है झेलना। बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं पिछले कुछ 6-8 महीनों में, ओडीआई में जिस तरह से वर्ल्ड कप में वो इंजरी हुई, उसके बाद जब मुंबई इंडियंस के लिए वो कप्तान के तौर पे वापस आए और उसके बाद जो वहां कप्तान के तौर पे उनके साथ हुआ, उसके बाद फिर पर्सनल लाइफ जो है वो उछाली गई और तमाशा हुआ, और उसके बाद अब जो है कप्तानी की रेस से तो बाहर हो ही गए, उप कप्तान भी ना रहे, यार मतलब इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा कि भाई क्यों, किस वजूहात के चलते ये सब हुआ, क्या रीजन थे, क्या उनकी अपनी गलतियां थी, उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कुछ हुआ ना मतलब दिस इज एब्सोल्यूट ड्रामा। मतलब ऐसा ड्रामा किसी की जिंदगी में ना हो, दिस इज अ लेसन फॉर अस ऑल की जिंदगी जब बहुत रफ्तार में भाग रही हो ना तो भाई साहब कमर की पेटियां कस लेनी चाहिए और जो भी फैसले आप करते हैं तो सोच समझ के करने चाहिए। और भाई उसके आगे कुछ भी नहीं चलता, वो जब फैसले करने पे आता है ना फिर आपके हमारी चीजें सपने मेहनत सब धरी की धरी रह जाती है।